अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। वेलकम बैक टू स्टोरी बस। और जैसा कि आज आपको पता है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। पर क्या आपको मालूम है कि हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और जन्माष्टमी को और किस नाम से जानते हैं? तो चलिए आज की स्टोरी में हम यही जानते हैं कि हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और उसे और किस नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की स्टोरी। पुरानी बात है, 5000 सालों से भी पहले की बात है। बड़ा ही प्यारा सा शहर था मथुरा। वहाँ के लोग हंसी खुशी रहते और मिल बात कर अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन वहाँ का राजा, द किंग ऑफ मथुरा, जिसका नाम था कंस, एक बहुत ही अत्याचारी राजा था। अत्याचारी का मतलब लोगों को तंग करने वाला, सभी को डरा कर रखने वाला, क्रूरता से, रियलिटी से सबके साथ व्यवहार करने वाला। अत्याचारी के साथ साथ कंस एक अहंकारी राजा था। अहंकारी का मतलब अपने आप को सबसे बेस्ट समझना। आई एम द बेस्ट, दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू थिंक लाइक। और उसकी एक बहन थी जिससे कंस बहुत प्यार करता था। और कंस ने देवकी की शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान वासुदेव से की। जब शादी के बाद कंस अपनी बहन को वासुदेव के घर छोड़ने जा रहे थे, तो अचानक से आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे और एक आवाज आई, अत्याचारी कंस, तेरा अंत आ रहा है। तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरा खात्मा करेगी, यानी तुझे मारेगी। मीनिंग द 8th चाइल्ड ऑफ योर सिस्टर देवकी इज गोइंग टू पुट एन एंड योर क्रुएलिटी। ये आवाज सुनकर कंस डर गया। यू नो वो क्यों डर गया? बिकॉज जो लोग एक्स्ट्रा प्राउड, एरोगेंट और क्रूएल होते हैं ना, उनके मन में प्यार और फ्रेंडशिप नहीं होती। वो अक्सर अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। तो कंस भी बाहर से तो बहुत ही बड़ा राजा बनता था, पर अंदर से वह काफी डरपोक था। तो उसने क्या किया? उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। अब वो दोनों बेचारे जेल में ही रहने लगे और वहीं उनकी 7 संतान यानी बच्चों का जन्म। अत्याचारी कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। There was no one to stop the greedy Kans. तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि प्राइड, ग्रीड, अहंकार और एविल को कौन मारता है? सिर्फ और सिर्फ प्यार। इसी कारण जन्म हुआ देवकी की 8वीं संतान कृष्णा का। Because Krishna was born as a symbol of love, simplicity, wisdom, and great knowledge. Shri Krishna Prem Sadki प्यार का प्रतीक है। आधी रात को उनके जन्म से पहले श्री विष्णु जी जेल में प्रकट हुए और बोले, हे वासुदेव, तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी। आज आधी रात में देवकी जिस पुत्र को जन्म देगी, तुम उसे आधी रात में ही गोकुल में यशोदा के घर छोड़ाना, और यशोदा के घर जो पुत्री जन्म लेगी उसे यहाँ जेल में ले आना। और आधी रात को जब उनका जन्म हुआ, तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिक सो गए। तब उनके पिता उन्हें कंस से बचा के एक टोकरी में डाल के बहती हुई यमुना नदी को पार कर वृंदावन पहुंचे और माँ यशोदा के घर उन्हें छोड़ दिया। और उनकी जो पुत्री थी
उन्हें अपने साथ ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यशोदा मैया के घर कंस बिल्कुल नहीं पहुंच सकता और कृष्णा वहां बिल्कुल सेफ और खुशी खुशी रहेंगे। जब वासुदेव कृष्णा को वहां छोड़कर वापस आए तब बच्चे की आवाज सुनकर सभी सैनिक उठ गए और वह कंस को बुला लाए। जब कंस ने उस बच्चे को मारने की सोची तो वहां दुर्गा माता प्रकट हुई, बोली, कंस तूने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। कुछ समय के बाद तुझे मारने वाला आएगा और सबको बचाएगा। ये सुनकर कंस हैरान और परेशान होकर वहां से चले गए। और इसके बाद जब कृष्णा जी बड़े हुए तब उन्हीं कृष्णा जी यानी वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान ने कंस का वध कर दिया, यानी उन्हें मार दिया। और वहाँ के सभी लोग बहुत खुश हुए। तो कृष्णा का अर्ली चाइल्डहुड गोकुल में बीता, इसलिए जन्माष्टमी को गोकुलष्टमी भी कहा जाता है। तो अब पता चला आप सबको कि हम कृष्ण जन्माष्टमी को किस रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म का मतलब है अच्छाई और प्यार की जी। तो ये थी आज की स्टोरी एंड आई होप आपने इंजॉय किया होगा और आज आपको ये भी पता चला होगा कि हम सब जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसे किस नाम से जानते हैं। सो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।